भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म जगत का एक जाना माना चेहरा है। आपको बता दें कि साल 2009 से मनोज तिवारी सक्रिय राजनीति में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी पहचान के आगे भोजपुरी सुपरस्टार टैग लगा हुआ है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे मनोज तिवारी का अब तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पड़ाव दर पड़ाव मनोज तिवारी अपना रास्ता खुद बनाते चले गए। उन्होंने न सिर्फ अपना रास्ता बनाया बल्कि उनके पदचिन्हों पर दूसरे भोजपुरी कलाकारों को चलते हुए देखा जा रहा है। जानते हैं उनके सफर के बारे में। मनोज तिवारी बिहार के एक छोटे से गांव अतरवालिया में जन्मे और पढ़ाई के दौरान मनोज तिवारी एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे। आपको बता दें कि कई लेवल पर क्रिकेट खेलने वाले मनोज तिवारी भोजपुरी गाने सिर्फ शौक के लिए गाते थे। इन गानों ने तिवारी को इतनी शोहरत दी कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा उनके लिए अपने आप ही खुल गया। भोजपुरी फिल्मों में मनोज तिवारी ने बतौर सिंगर एंट्री मारी, वहाँ उन्होंने एक्टिंग भी की, म्यूजिक डायरेक्शन में हाथ आजमाया और देखते ही देखते भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। बता दें उनकी पहली भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला ने भोजपुरी फिल्मों को एक नई पहचान दिलाई। इसके बाद मनोज तिवारी की पॉपुलैरिटी दिन दुनिया रात चौगुनी होने लगी। मनोज तिवारी ने ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद बंधन टूटे ना, दरोगा बाबू आई लव यू, दामाद जी, भोजपुरी डॉन, धरती कहे पुकार समेत कई ब्लॉकबस्टर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को दी। इसके बाद मनोज तिवारी ने छोटे पर्दे की ओर रुख किया। यहाँ उन्होंने बिग बॉस में हिस्सा लिया। जैसे कि आप जानते हैं, बिग बॉस में झंडे गाड़ने के बाद मनोज तिवारी ने रियलिटी शो चक दे बच्चे के लिए एंकरिंग भी की। इसी बीच मनोज तिवारी की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी, लेकिन उन्हें वह मुकाम नहीं मिल पा रहा था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। लेकिन फिर ऐसा समय आया जब उन्होंने साल 2009 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोकी, लेकिन जीत उनके नसीब में शायद थी ही नहीं। बीजेपी से पटकने के बाद मनोज तिवारी ने फिर बीजेपी का ही दामन थाम लिया। बीजेपी ने मनोज तिवारी को दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी। यह सीट अपने आप में बहुत खास थी। दिल्ली की इस सीट को प्रवासी भारतीयों का गढ़ कहा जाता है, जिसमें ज्यादातर संख्या में लोग बिहार और पूर्वांचल से ताल्लुकात रखते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने सीट पर जीत दर्ज की। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 40% वोटर पूर्वांचल के हैं और 70 विधानसभा सीटों में से कई सीटों पर पूर्व वासियों का दबदबा है। इसी वजह से उन्हें 2016 में दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। मनोज तिवारी ने अपनी अध्यक्षता में बीजेपी को तीनों निगमों के चुनाव में जीत दिलवाई। आज मनोज तिवारी की गिनती बीजेपी के सीनियर नेताओं में होती है। उन्हें पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अक्सर मनोज तिवारी को टकराते हुए देखा जाता है। पूर्वांचल लाइव की रिपोर्ट।